हुए गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, देखो पूरा भाई पूरा ट्रक पूरा पलटी हो गया भाई। ये टाटा ऐसे शायद। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब पे नए ब्लॉग में। और गाइस अभी दोपहर के लगभग 12 बज चुके हैं और अभी मैं आ चुका हूं गोरेगांव में तो मंदिर के इधर। तो यहां से अपना जो पोर्टल का डिवाइस अभी लॉग इन करता हूं और जैसे मुझे ट्रिप आएगा मैं आपको वैसे बता दूंगा उसका पिकअप और ड्रॉपेशन कहां पर है, ठीक है। सो हे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मुझे आ चुका है पोर्टल पे ट्रिप और अभी मैंने ट्रिप उठा लिया है। तो इसका जो पिकअप लोकेशन है ना, विरवानी इंडस्ट्रियल स्टेट में, और जैसे कि आप देख सकते हो, और इसका जो देखो कैश का लेट अमाउंट देखो 595। तो चले चलते भी सीधा पिकअप लोकेशन पे, ठीक है। सो हे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो अभी अपना हो रहा है अभी लोडिंग। ये मुझे लेके जाना है पूरा मीरा रोड में। जैसे कि आप देख सकते हो, देखो पूरा भाई पूरा ट्रक पूरा पलटी हो गया भाई। ये टाटा ऐसे शायद। ओ भाई, सुबह क्या, जैसे कि आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे। इतना कुछ अपना मटेरियल है तो फटाफट से अनलोड करवाते। सो हे गाइस, फाइनली अभी मेरा ट्रिप हो चुका है कंप्लीट। और गाइस अभी अपना दिन का सिर्फ एक ही ट्रिप अपना कंप्लीट हुआ है। तो देख रहा हूँ अभी मैं नेक्स्ट ट्रिप के लिए देखता हूँ। यहाँ से ट्रिप मिला तो ठीक है भाई, अपना लक रहेगा तो भाई ऐसे ट्रिप मिल जाएगा, वरना जो भी रहेगा आपको पूरा ब्लॉग में पूरा शेयर कर दूँगा, ठीक है। सो हे गाइस, अभी दोपहर के लगभग अभी 3 बज रहे और गाइस अब तक ट्रिप नहीं आ रहा है भाई। गाड़ी साइड में खड़ी करके मत बैठा था, बैठ बैठ के भी इतना कंटाल आ रहा ना यार, क्या ही करे यार। अब तक है ना गाइस, बोलते ना 40 मिनट हो चुका है ट्रिप के लिए वेट कर रहा हूँ, एक भी ट्रिप अब तक आया नहीं है। तो सच्चा मैं भाई गोरेगांव चला जाता तो जैसे भी रहेगा आपको पूरा ब्लॉग में पूरा बता दूंगा, ठीक है। मेरा तो अभी मन नहीं यहाँ पे भाई इतना वेट करने का। ये भाई जैसे भी देखो ट्रिप आती जाए तो मारते जाए ना, बहुत मज़ा आता है। ऐसे वेटिंग भी हो गया ना भाई, कुछ मतलब नहीं है फिर ये ट्रिप का, ठीक है। तो देखते जो भी रहेगा आपको पूरा ब्लॉग में पूरा शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो हे गाइस, फाइनली अभी मैं निकल चुका हूँ गोरेगांव। और गाइस अभी बोलते ना 3:30 बजने के अभी सिर्फ 10 मिनट बाकी है भाई। बोलते ना गाइस वहाँ पे ट्रिप भी नहीं आ रहा था यार, क्या ही करे बताओ। और इतनी गर्मी है ना भाई, अभी गर्मी का सीजन, अच्छी गर्मी होगी फिलहाल तो भाई पूरा परेशान हो गया था भाई। गाड़ी में बैठ बैठ के फिर बाहर आया, थोड़ा रेस्ट किया और मेरे को भूख भी बहुत लगी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोरेगांव जाके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ खा लूंगा, अभी सीधा मिलते हैं कहते सीधा गोरेगांव में उमा माता मंदिर के इधर, ठीक है। सो हे गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ गोरेगांव में तो मंदिर के इधर। तो यहाँ से अपना जो पोर्टल का डिवाइस है ना मैं लॉग इन करता हूँ और जैसे मुझे ट्रिप आएगा ना मैं आपको वैसे बता दूंगा उसका पिकअप लोकेशन और ड्रॉप लोकेशन, ठीक है। वैसे तो आपको पूरा अभी गाइस पूरा लाइव भी मतलब बोलते ना ये फोन में आपको पूरा दिख जाएगा, मैं आपको पूरा शो कर दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी सीधा मिलते भी ट्रिप आने पर। फिलहाल अभी थोड़ा कुछ खा लेता हूँ क्योंकि अभी नहीं खाया ना, फिर गाइस बोलते ना अभी जैसे ट्रिप लग जाएगा ना फिर खाने वापस नहीं मिलेगा नहीं मुझे, तो फिलहाल खा के फिर वापस ऑनलाइन हो जाऊंगा। तो जो भी रहेगा आपको पूरा ब्लॉग में पूरा शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो हे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे आ चुका है पोर्टल पे ट्रिप, छोटा ट्रिप है, इसको भी मार लेते हैं चलो। इसका देखो पिकअप लोकेशन है गंभीर इंडस्ट्री में, इसका आपको ड्रॉप लोकेशन बता देता हूँ। अरे DTDC में ही जाना है यार, चलो चलते हैं अभी सीधा अपने, मतलब बोलते हैं ना गाइस 5 मिनट का ये ट्रिप है, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं इसे भी। सो हे गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। जैसे कि आप ये पीछे देख सकते हो, ये दो बॉक्स अपने को सिर्फ लेके जाना DTDC में, एक बंदा आने वाला है मेरे साथ। तो लगभग जो अपना जो ड्रॉप लोकेशन है ना गाइस, 200 मीटर अपना ड्रॉप लोकेशन है यहाँ से। तो चले चलते हैं सीधा ड्रॉप लोकेशन पे, ठीक है। सो फाइनली गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ ड्रॉप लोकेशन पे, मैं और मेरा ट्रिप हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ से अपना जो फोटो का डिवाइस लॉग इन करता हूँ वापस, फिर यहाँ से तो कन्फर्म मुझे ट्रिप मिल ही जाएगा। और अभी मैं विरवानी के इधर, तो थोड़ा देर यहाँ रुकते हैं, देखते हैं ट्रिप के लिए, थर्ड ट्रिप के लिए। दो ट्रिप हो चुका है, मतलब वो आज बोलते हैं ना गाइस पूरा का पूरा लॉस है, आज कुछ फायदा नहीं हुआ मुझे, सिर्फ यहाँ वहाँ सिर्फ घूम रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखते हैं और थोड़ा वेट करता हूँ, अभी तो लगभग 4:30 बज रहे,
तो थोड़ा और वेट करके एक दो ट्रिप और मार लेंगे, फिर निकल जाएंगे अपने घर, ठीक है। सुबह का है, जैसे कि मुझे आप देख सकते हो मुझे आ चुका है वापस पोर्टर पे ट्रिप, तो कोई उठाना नहीं चाहिए। चलो भाई ये भी मैंने उठा लिया है, तो ये आरके इंडस्ट्री ने वहाँ पे जाना है, और इसका जो ड्रॉप लोकेशन है अंधेरी ईस्ट में MIDC के इधर। तो चले चलते हैं वैसे पिकअप लोकेशन पे, ठीक है। गाइस अभी मैं निकल चुका ड्रॉप लोकेशन के लिए, जो कि अपना ड्रॉप लोकेशन है ना गाइस अंधेरी में MIDC के जरिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस 15 मिनट मुझे लग जाएगा वहाँ पे पहुँचने के लिए, और लोड भी इतना नहीं है गाड़ी में, लगभग कुछ 200 किलो का अपना लोड है। तो कुछ बोलते ना गाइस जो फर्नीचर का ये मटेरियल है, कुछ सनमाइक कुछ बोलते ना वो है, उसके 6-7 बंडल है, उसे मुझे लेके जाना है मरोड़ MIDC में। तो चले चलते भी सीधा ड्रॉप लोकेशन में मिलता हूँ, ठीक है। तो फाइनली गाइस मेरा भी ट्रिप हो चुका है कंप्लीट, और गाइस अभी मैं हूँ अंधेरी MIDC में। तो यहाँ से देखता हूँ ट्रिप मिला तो ठीक है, वरना जो भी होगा आपको पूरा ब्लॉग में पूरा शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल गाइस बोलते ना ये लेफ्ट वाला शोल्डर बहुत पेन कर रहा है, क्योंकि मेरा बैकबोन का बहुत इश्यू चल रहा है इसकी वजह से। तो बोलते ना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अभी गाड़ी चलाना पड़ेगा, ज़्यादा खड्डे विड्डे में गया ना फिर बहुत पेन करता है। सुबह गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मुझे आ चुका अभी ट्रिप, देखता कोई उठानी नहीं चाहिए, भाई उठा लिया मैंने भाई। और इसका ड्रॉप लोकेशन है ना गाइस गोरेगांव वेस्ट में, जैसे कि आप देख सकते हो माड़ा कॉलोनी में। सो हे गाइस अभी मैं आ चुका हूँ कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, जैसे कि आप देख सकते हो अभी अपना मटेरियल अभी लोड हो रहा है। तो लगभग कुछ गाइस है ना 8 बॉक्स लेके जाना है मुझे गोरेगांव वेस्ट में, और भाई लकीली भाई मुझे मिल गया भाई, मेरा रिटर्न ट्रिप मुझे चाहिए था। तो चलिए चलते भी सीधा अपने ड्रॉप लोकेशन पे, ठीक है। गाइस अभी मैं निकल चुका अपने ड्रॉप लोकेशन के लिए, और गाइस मेरा लक इतना अच्छा है ना, तो मुझे लग रहा था कि भाई आज अपनी नसीब के साथ देगी। तो भाई लास्ट का जो मेरा ट्रिप आया भाई, इसका ड्रॉप लोकेशन ही है गोरेगांव वेस्ट में, बेस्ट कॉलोनी है वहाँ पे मुझे जाना है। तो चलिए भी सीधा डायरेक्टली मिलते हैं गोरेगांव वेस्ट में, ठीक है। तो लगभग कुछ है ना गाइस 45 मिनट मुझे लग जाएगा यहाँ से गोरेगांव वेस्ट जाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं सीधा गोरेगांव वेस्ट में, ठीक है। गाइस देख सकते हो यार, ये तो हमारा सिग्नल छूटा भाई, ये बस ने घुसा दिया। अरे भाई कहाँ घुसा दिए यार, अभी यार क्या करे यार, लेफ्ट से पूरा मारना पड़ेगा गाड़ी मेरे को अभी। सो हे गाइस अभी मैं आ चुका हूँ कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे अभी गाड़ी लग चुकी है, बड़ा बड़ा अभी 10 मिनट में माल अनलोड हो जाएगा, फिर मैं यहाँ से सीधा निकल जाऊँगा घर पर, तो ब्लॉग वही पे एंड करूंगा, ठीक है। तो देखते रहो पूरा ब्लॉग एंड तक, ठीक है। सो फाइनली गाइस अभी मैं आ चुका हूँ पार्किंग में, और अभी गाइस शाम के लगभग 8 बज चुके, और गाइस बोलते ना आज बहुत लेट हो गया, मतलब आज बोलते ना पूरा दिन भर भाई मैं टाइम पास ही कर रहा था और कुछ नहीं किया। तो जी मैं बोलते ना मीरा रोड से भी रिटर्न आ गया, सोचो 40 मिनट से वेट किया हो, और थोड़ा वेट करता गाइस मतलब बोलते ना ट्रिप आ जाता, लेकिन भाई मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा था भाई, इतना गर्मी इरिटेट हो गया ना गर्मी की वजह से, सीधा भाई गोरेगांव आ गया, कुछ सोचा नहीं कुछ नहीं, अच्छा हुआ गोरेगांव हो गया, ट्रिप मिला फटाफट, ट्रिप कंप्लीट किए पूरे दिन का, लगभग बोलते ना गाइस 3-4 अपना ट्रिप हुआ, बोलते ना उतने में जितनी अर्निंग हो चुके ना गाइस आज के लिए उतनी बस है, क्योंकि मैं सोचा नहीं था इतना भी हो जाएगा, मुझे क्या लगा का 1000-1900 बस इतना ही होगा, लेकिन गाइस आज का जो अपना अर्निंग हो चुका है ना 1400-1500 रुपये की अर्निंग हो चुकी है, मतलब सोचा भी नहीं, मुझे क्या लगा कि 1000 के अंदर हो जाएगा भाई, नहीं तो 1100 तक, इतना मैं कन्फर्म चल रहा था। सो हे गाइस अभी ब्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ गाइस, बोलते बोलते ना गाइस इतना पेट दर्द कर रहा है ना मेरा सच्ची में, वापस मुझे 3-4 दिन के बाद वापस डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, कि मेडिसिन जो ले रहा ना उसका असर नहीं गिर रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो पहले मेडिसिन था ना भाई वो बहुत परफेक्ट था, अभी क्या नहीं ये न्यू मेडिसिन दी है ना, तो उसका कुछ मेरे को बोलते ना फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और ज़्यादा मतलब जितना पेन कर रहा है उतना ही पेन हो रहा है, उससे कम पेन मतलब उतना कम नहीं हो रहा है अपना मेरा पेन। तो ब्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ, तो ब्लॉग कैसे लगा तो प्लीज कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो जाके चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन दबाओ, जिससे मेरी आने वाली वीडियो रहेगी ना आपके नोटिफिकेशन में शो हो जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय और टेक केयर।